आंखों देखी। पुरानी ही एक कहावत है, जाकोरा के साइयां मार सके ना कोई। कुछ ऐसी ही घटना हमारे सुपौल जिला में। आपको बता दें कि सुपौल जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत RSM पब्लिक स्कूल रेलवे ढाला के समीप एक महिला अपने बच्चे के साथ ट्रेन से टकरा गई। वहीं मौके पर ही महिला की मौत हो गई, जबकि बच्चे को हल्की सी खरोच आई, जिसका इलाज सदर अस्पताल सुपौल में किया जा रहा है। वहीं अब तक महिला के परिजनों का कोई जानकारी नहीं मिला है, जिसके कारण बच्चे को चाइल्ड लाइन के अधिकारी को सौंप दी गई है। वहीं चाइल्ड लाइन के अधिकारी सदर अस्पताल सुपौल पहुंचकर बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया है। अन्य जो रेलवे लाइन पर बच्चा मिला है, इसका क्या कैसे घटना घटी और कैसे क्या व्यवस्था है इनकी जानकारी? हम लोग के पास खबर आया कल रात में, मेरा नाम प्रभात अंजन, चाइल्ड लाइन सुपौल से सेंटर कोऑर्डिनेटर। हम लोग के पास ये खबर आई कि एक महिला जो है वो ट्रेन से कट गई है और साथ में उसका बच्चा था, तो महिला का तो वहीं पर स्पॉट ही मर्डर हो गया, मतलब वो एक्सपायर कर गया वहाँ पर स्पॉट में, और बच्चा था वो पटरी के बीच में आ गया था, उसके ऊपर से ट्रेन गुजर गया, लेकिन बच्चा बच गया। बच्चा के माथे में चोट है, हाथ का एक उंगली फ्रैक्चर है और हल्का फुल्का छिलाया है। इनके परिजन का भी कोई पता चला क्या? नहीं, अभी तक बच्चा अज्ञात है, लावारिस से कुछ पता नहीं चला है। और हम लोग इसको सदर अस्पताल में भर्ती करवाए हैं, अब हम लोग इसको बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत करेंगे और वहाँ से इसका जो ऑर्डर होगा, इसको दत्तक ग्रहण में रखने का ऑर्डर निकलेगा, कि बच्चा वहाँ पर जाएगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रभात रंजन, चाइल्ड लाइन सेंटर कोऑर्डिनेटर सुपौल। सर, रात में जो रेलवे लाइन में घटना घटी है, किस तरह की घटना थी और क्या कैसा पेशेंट महसूस हुआ? ये महिला लगता है जो खुद से आत्महत्या की है, बच्चे को बगल में रख के अपना पटरी पर साइड लेट गई होगी, या जो भी कारण हुआ हो, उसको धक्का लगा हो, उसका गर्दन जो है सरतन से जुदा हो गया। अज्ञात बच्चा मिला है, उसका कोई उसी का बच्चा है, अज्ञात नहीं है अब, क्योंकि उसके बारे में नहीं जानकारी अभी तक मिल पाई है। पुलिस वाले टोटल चीज़ का वीडियोग्राफी वगैरह कर लिए हैं, जैसे ही आइडेंटिटी उसका पता चलेगा तो फिर उसका बच्चा अज्ञात नहीं रहेगा, अभी तो उसको अल्पावास भेजा जाएगा। धन्यवाद। क्या नाम है सर? डॉक्टर अजय कुमार। धन्यवाद सर।